जन जन की आवाज जीएन भारत में आपका बहुत ही स्वागत है। और बिहार क्लब में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। हमारे यहाँ एक कहावत है कि गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वर, गुरु साक्षात तपम तस्वे श्री गुरुवे नमः। इसका मतलब यह होता है कि शिक्षक ही गुरु जो होता है वही पर ब्रह्म होता है, वही भगवान होता है। पहला भगवान जो होता है वो गुरु ही होता है। तो हमारे संस्कृति में, हमारे समाज में गुरु को इतना बड़ा दर्जा दिया गया है, इतना बड़ा ओहदा दिया गया है। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान और गुरु में चुनना हो तो गुरु को चुनिए, क्योंकि गुरु ही रास्ता बताते हैं भगवान तक जाने का। लेकिन आपको जानकर बहुत शर्म आएगा कि हमारे समाज में शिक्षकों की क्या दुर्दशा हो रही है कि उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने घर के निजी हालात और अपने निजी खर्चों को गिराना पड़ रहा है सरकार के सामने। असिस्टेंट प्रोफेसर जो महिलाएं हैं कॉलेज में पढ़ाती हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि हमें परमानेंट नहीं किया गया है, हमें 5-6-7-10 हज़ार रुपये मिलते हैं, इससे हम दिवाली का त्यौहार तक नहीं मना पा रहे हैं, घर के खर्चे नहीं उठा पा रहे हैं। लेकिन हमसे काम वैसा लिया जाता है जैसे कोई परमानेंट प्रोफेसर से लिया जाता है, अटेंडेंस से लेकर पढ़ाना से लेकर एवरीथिंग सब कुछ हम करते हैं, लेकिन फिर हमारे साथ ऐसा सलूक क्यों किया जाता है। रघुवर सरकार में हेमंत सोरेन खुद आए थे अब मेरा धरना तोड़वाने के लिए और कहा था कि जब मेरी सरकार आएगी तब हम आपकी नियुक्ति परमानेंट कर देंगे। लेकिन इन शिक्षकों को कहना है कि आप 3 साल 3.5 साल होने जा रहे हैं सरकार का, लेकिन ये सरकार अभी तक संज्ञान नहीं ले रही है और अपने वादा के भी खिलाफी कर रही है। इसके लिए कल से हम राजभवन के समीप धरना देने की तैयारी कर रहे हैं। क्या कुछ मामला है आप खुद ही सुनिए। मीडिया कर्मी वालों को मैं स्पेशल धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने अपने व्यस्त समय में हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। सबसे पहले तो हम आज महिलाओं के साथ पीछे खड़े हमारे पुरुष वर्ग, सभी प्राध्यापक, आप लोगों के सामने कुछ बिंदुओं पर बात करना चाहते हैं जिसके वजह से हमारी बहुत सारी मांगें सरकार तक पहुँच सकती हैं। तो मैं अपनी बात की शुरुआत कबीर के एक दोहे से करना चाहूँगी कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके जो हमको दियो बताए। इसका मूल अर्थ है कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे गुरु को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है, मगर आज हम शिक्षक, हम प्राध्यापक, असिस्टेंट प्रोफेसर ऐसे सिचुएशन में पहुँच चुके हैं जहाँ पे हमें सड़क पे आने की नौबत हो गई। आखिर ऐसा क्यों? पहली बात मैं ये कहना चाहूँगी कि हम जो यहाँ बैठे हैं, हम सभी लोग साधारण नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि हम लोग सोसाइटी के वेल एजुकेटेड बैकग्राउंड से आते हैं। हम लोगों में से सभी ने नेट, JRF, गोल्ड मेडलिस्ट, इनफैक्ट यहाँ पे सब PhD होल्डर्स बैठे हैं, आप जितने लोगों को देख पा रहे हैं। आखिर ऐसी क्या वजह रह गई होगी कि हम लोगों को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है, सबको बयान कर रहा है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हम सभी लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे अनुबंध में काम कर रहे हैं, और अनुबंध पे काम करने के साथ साथ ये भी बताना चाहूँगी कि हम सब घंटी आधारित अनुबंध कर्मी का मतलब हुआ हमें हर क्लास के लिए 600 रुपये मानदेय दिए जाते हैं, 600 रुपये मानदेय, और मैक्सिमम हम लोग एक दिन में 4 क्लासेज ले सकते हैं और महीने में हमारे सिर्फ 36,000 बनते हैं। इसमें भी सिर्फ 36,000 हमारे पूरे नहीं होते हैं, ये ना समझा जाए कि 36,000 से ज़्यादा बनेंगे, 36,000 तक बन सकते हैं, उससे कम ही बनेंगे। किसी डिपार्टमेंट में ज़्यादा शिक्षक है तो उनके 60 क्लास ना भी बन सके, किसी महीने में छुट्टियां हो गई तो उस महीने के सैलरी हम लोगों को 5-6 हज़ार के तौर पर भी दिए जाते हैं। तो इन सब को देखते हुए हम लोगों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा, क्योंकि हम लोग सभी लोग अनुबंध कर्मी लगभग 4-4.5 साल से सेवा में हैं, और हम वो सारी सेवाएं बखूबी निभाते हैं जो एक परमानेंट कर्मचारी निभाते हैं। तो इस चीज़ को रखते हुए मैं 4 बिंदुओं पे हमारी मांग है 4 बिंदुओं पे। सबसे पहला चीज़ कि हमें रेगुलराइज किया जाए। इन सब को देखते हुए हम लोगों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा, क्योंकि हम लोग सभी लोग अनुबंध कर्मी लगभग 4-4.5 साल से सेवा में हैं, और हम वो सारी सेवाएं बखूबी निभाते हैं जो एक परमानेंट कर्मचारी निभाते हैं। तो इस चीज़ को रखते हुए मैं 4 बिंदुओं पे हमारी मांग है 4 बिंदुओं पे। सबसे पहला चीज़ कि हमें रेगुलराइज किया जाए और उसके लिए स्टैट्यूट का निर्माण किया जाए। दूसरा मुद्दा है कि हमारा मंथली सैलरी किया जाए, जिसके वजह से अगर छुट्टियाँ, अगर किसी विभाग में ज़्यादा शिक्षक हों तो भी हमें नुकसान ना झेलना पड़े।
तीसरी मांग है, शिक्षकों की इतनी कमी होने के बावजूद भी कई यूनिवर्सिटीज अब अनुबंध पे कार्य कर रहे प्रोफेसर को टर्मिनेट करना शुरू कर दिया। तो हमारी तीसरी मांग ये है कि हमारे सभी टर्मिनेट किए गए बंधुओं को, शिक्षक बंधुओं को वापस से सेवा में लाया जाए। और चौथी मांग हमारी है, आप लोगों के माध्यम से सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं, चौथी मांग हमारी है कि यहाँ पे न्यू नियमावली ये है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए अब नई नियमावली लागू कर दी करने की सोची जा रही है, जिसमें क्या है कि पीएचडी में जो ए प्लस प्लस ग्रेड कॉलेजेस हैं, जो कि डीयू, बीएचयू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ऐसे कॉलेजेस से जो कैंडिडेट्स आएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर में इंटरव्यू देने, उन लोगों को ज़्यादा पॉइंट्स दिए जाएंगे, 30 पॉइंट्स। और जो झारखंड के कॉलेजेस जैसे बी, बी प्लस, उन लोगों को 15 पॉइंट। और जो कॉलेजेस नैक अफिलिएटेड नहीं हैं या फिर जिन जो लोग अदर कॉलेजेस हैं, उन लोगों को 5 पॉइंट। तो ऐसे भेदभाव में देखा जाए झारखंड में एक भी ऐसा ए प्लस प्लस ग्रेडिंग कॉलेज नहीं है। तो इसको देखते हुए कैसे सरकार ये नियम लागू कर सकती है कि झारखंड में जो ए प्लस प्लस ग्रेड से होंगे उन्हीं को 30 पॉइंट दिया जाएगा, ये तो सरासर ठीक नहीं है। तो इन्हीं चार मुद्दों पर हमारी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रही होंगी। तो पहला मुद्दा जो है हमारा रेगुलराइजेशन हमारा हो, जिसके लिए नियमावली का निर्माण का हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, उस पहले पॉइंट को हमारी डॉक्टर निमित्ता मुर्मू मैम डील करेंगे। नमस्कार, सबको आभार, आप सभी मीडिया वालों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। हमारी पहली मांग है कि कॉन्ट्रैक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर के रेगुलराइजेशन हेतु स्टैट्यूट का निर्माण किया जाए। क्यों किया जाए? क्योंकि हम लोग पिछले 4.5 साल से कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं और अभी तक सरकार के द्वारा या एचआरडी के द्वारा या फिर हमारी यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा हम लोगों के लिए ऐसी कोई सुविधा नहीं उपलब्ध कराई गई है जिससे हम लोगों को झारखंड में एक भी ऐसा ए प्लस प्लस ग्रेडिंग कॉलेज नहीं है। तो इसको देखते हुए कैसे सरकार ये नियम लागू कर सकती है कि झारखंड में जो ए प्लस प्लस ग्रेड से होंगे उन्हीं को 30 पॉइंट दिया जाएगा, ये तो सरासर ठीक नहीं है। तो इन्हीं चार मुद्दों पे हमारी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रही होंगी। तो पहला मुद्दा जो है हमारा रेगुलराइजेशन हमारा हो, जिसके लिए नियमावली का निर्माण का हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, उस पहले पॉइंट को हमारी डॉक्टर निमित्ता मुर्मू मैम डील करेंगे। नमस्कार, सबको आभार, आप सभी मीडिया वालों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। हमारी पहली मांग है कि कॉन्ट्रैक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर के रेगुलराइजेशन हेतु स्टैट्यूट का निर्माण किया जाए। क्यों किया जाए? क्योंकि हम लोग पिछले 4.5 साल से कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं और अभी तक सरकार के द्वारा या एचआरडी के द्वारा या फिर हमारी यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा हम लोगों के लिए ऐसी कोई सुविधा नहीं उपलब्ध कराई गई है जिससे हम लोगों को समान वेतन दिया जाए। और चूँकि हमारे पास सैंक्शन पोस्ट जो हैं वो अभी 4,566 है टोटल सैंक्शन पोस्ट, और हमारे पास जो वेकेंट सैंक्शन पोस्ट हैं वो हैं 3,064, जिसमें से अभी जो रेगुलर वाली जो वैकेंसी आई थी 2018 में चार अठारह की, उसमें 552 पोस्ट निकले थे और बैकलॉग वालों में हमारे पास 566 पोस्ट निकले थे। तो टोटल हमारे पास वैकेंसीज आई थी 1,118, जिसमें से कुछ और पोस्ट मिलाकर, जैसे टीआरएल वगैरह का कुछ और पोस्ट मिलाकर हम लोग जो पोस्ट आई थी वो थी 1,363, जो प्रक्रियाधीन है। अभी की जो सैंक्शन वेकेंट पोस्ट है वो है 1,701, और एक्स्ट्रा सीट जो एचआरडी में जो अभी सैंक्शन नहीं हुई है वो है 4,181। तो अराउंड अबाउट हमारे पास अभी 4,000 वेकेंट पोस्ट हैं। अगर इतने सारे पोस्ट वेकेंट हैं तो फिर आप जो वेकेंसी निकाल रहे हैं 1,118, बस इतना कम वैकेंसी से कहाँ फुलफिल हो रहा है? और हमारे जो टीचर्स हैं, जो जितने भी प्रोफेसर्स हैं, वो साइमल्टेनियसली रिटायर करते जा रहे हैं सभी डिपार्टमेंट से, सभी यूनिवर्सिटी से। तो हमारे पास काफ़ी पोस्ट हैं। अगर सरकार चाहे तो हम लोग जो 800 असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, उनको परमानेंट कर सकती है। क्यों कर सकती है? उसका भी एक रीज़न है। 1982 में स्टैट्यूट बनाकर रेगुलराइजेशन किया गया था। उसके बाद अभी इसी बेसिस पर गुजरात, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में भी रेगुलेशन किया गया है। तो जब आपके पास प्रोविजंस है, आपके पास सीट्स है, आपके पास कैंडिडेट्स हैं और हम लोग काफ़ी एजुकेटेड है, तो के बाद हम लोग सिलेक्ट किया है, तो हमारा सारा गाइडलाइन। तो आपने साफ तौर पर सुना, इन सारी महिलाओं ने कहा कि आज हम सारी महिलाएं एकत्रित हो गए, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे, जब
सेम काम जो परमानेंट है, जब वो भी काम वही करे, तो हम फिर उतने कम 5-6-10 हज़ार में क्यों काम करें? हमें वो हक क्यों नहीं मिल रहा है? तो इस हक के लिए वो अपने जन आंदोलन जारी है, और ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए बने रहे जीएन भारत के साथ। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।